अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आज 6:30 बजे का टाइम है, तो मैंने खाने में आज बनाया है दाल और चावल, बल्कि बना रही हूँ अभी मैं। तो अब मैं करूँगी चावल बॉयल, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या मैं कर रही हूँ इस टाइम किचन में। मैंने बनाई है मसूर की दाल, जो रेड वाली दाल होती है, तो उस पर लगता है ये इसका लहसुन का बघार लगता है। लहसुन का बघार लगाऊंगी मैं। और इधर मैंने चढ़ाए हुए हैं चावलों के लिए पानी, बॉयल चावल इसमें बनेंगे। तो यहाँ मैंने भी गोए हुए चावल, इधर मेरी दाल पड़ी हुई है। तो जैसे ही ये बघार मेरा तैयार होता है तो मैं इसमें दाल, उसमें मैंने एक हरी मिर्च भी डाली है, इससे भी ज़रा जो होता है ना जायका बड़ा अच्छा हो जाता है। मेरी इन चीज़ों को ना देखा करें, ये जो ब्लैक ब्लैक सी हो रही हैं, काली हो गई, क्योंकि मैं इनको धो धो के ना मेरी हिम्मत नहीं है, तो मैं इनको दोबारा से साफ़ करूं। तो मेरा बघार हो गया है रेडी। तो ये वाली दाल है जो मैंने बनाई है, तो इसमें डाल रही हूँ बन गई है दाल मेरी, माशाल्लाह से रेडी हो गई है दाल। ये देखें, क्योंकि वाइट राइस के साथ खाई जाएगी तो इसलिए ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चावल मेरे आधा किलो हैं, तो इसलिए नमक डाल दिया, बस नमक ही डालती हूँ मैं, ऑयल वगैरह नहीं डालती हूँ। तो ये चावल हैं मेरे, ये चावल जो है ना ये पोना चावल कहलाते हैं। तो ये अब हमने नए चावल लिए हैं, ज़रा हमने कहा देखें इनको ट्राई। ये चावल जो है ना मैंने पोना चावल लिए हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये पोना चावल लिया है, क्योंकि अब चावल इतने महंगे हो गए हैं कि लेने भी मुश्किल हो रहे हैं ना। तो अब चावल शौक से खाते हैं घर में, अब में दो दफ़ा तो ज़रूर बनते हैं, मगर ये है कि अब मजबूरी है, इसलिए ये ज़रा कम प्राइस पे थे, तो हमने कहा चलो यही बना के देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं चावल। तो देखते हैं कैसे बनते हैं चावल। इधर मैंने बना के रख लिया है सलाद बना लिया मैंने, तो इनका दाल चावल के साथ सलाद का जो है टच वो ज़बरदस्त था, और अचार। तो ये जो चीज़ें हैं ना चारों, बहुत ही बस मुंह में पानी आ रहा है मेरा तो अभी से। पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो मैं चावल डाल देती हूँ। तो चावल जो हैं इसमें ज़रा ना, क्योंकि नया चावल है, मैं मुझे अंदाज़ा नहीं है कि चावल कैसा बनेगा ये वाला, तो इसको अब चेक करते हैं, देखेंगे कैसे बनते हैं। अच्छे बनेंगे तो फिर और ले लेंगे चावल। हाँ, गेस्ट वगैरह आए तो फिर जाहिर सी बात अच्छे चावल हैं, जब पता चलता है कि गेस्ट कोई आ रहा है, जब पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो फिर वो अच्छे चावल जो होते हैं ना वो लेते हैं हम लोग, तो फिर उससे हम लोग को बनाते हैं चीज़ें। रात को भी आज मेरा ना किचन जो है ना, मैंने दोपहर में सारा साफ़ कर लिया था, ये देखिए सारा साफ़ हुआ है माशाल्लाह से। ये आमिर की शॉप की चीज़ें बड़ी हुई हैं, उन्होंने लेके जानी है, अभी खाना खा के जाएंगे वो, तो सारा साफ़ हुआ है माशाल्लाह। आज किचन मेरा चमक धमक रहा है, इसकी दोपहर को ना मैंने आज पॉलिश की है बड़ी शदीद। वैसे तो किचन को हम रात को भी देते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये चावल मेरे हो गए बॉयल, इसको रखती हूँ अब मैं दम पे, ये देखें वैसे लग तो सही रहे हैं। चलो मैं पानी इसमें इसका पानी निकालती हूँ, चावलों का दम देखते हैं, लग तो गया। चावल को मैं ऊपर नीचे कर देती हूँ ताकि ना चावल हट जाए, जो सही हो जाए चावल। तो ये दम लग गया है, तो ये खाना रेडी हो गया है, तो हम लोग खाते हैं खाना। तो इंशाल्लाह फिर ये देखें खाना जो है ना मैंने रेडी कर लिया, दाल चावल। तो ये खाना हो गया तैयार मेरा, तो इसको खाएंगे हम जाके, माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है बहुत। तो मेरी ना ये सीधी आँख इतनी फड़क रही है ना कि शदीद, मुझे बताएं कमेंट्स में कि इसका इसकी क्या वजह होती है, क्यों फड़कती है, मसल्स वीक होते हैं क्या होते हैं, खैर जो भी रीज़न हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो इसके साथ ही आज का मैं व्लॉग करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।